शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर अलग तरीके का विवाद शुरू हो गया है। फिल्म का गाना बेशरम रंग रिलीज हो चुका है, जिसे करोड़ों लोग पसंद भी कर रहे हैं। गाने में दीपिका पादुकोण एक भगवा कलर की ड्रेस में दिखाई दी हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से कमेंट किए जा रहे हैं। साथ ही फिल्म के बॉयकॉट करने की मांग भी कुछ लोगों के जरिए उठाई गई है। खासतौर से ये कुछ हिंदू संगठन है जिसके जरिए मांग हो रही है। इसको लेकर एमपी सरकार भी अब अपना रिएक्शन दे रही है। एमपी सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर एतराज जाहिर किया है। साथ ही कहा है कि मध्य प्रदेश में फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी ये विचार करने वाली बात है। रिलीज को लेकर भी यहां पेच फंसा हुआ है, क्योंकि फिल्म पठान के रिलीज को लेकर भी अब रोक लगाने की मांग की जा रही है। फिल्म पठान पर विवाद चल रहा है। बेशरम रंग गाने पर छिड़ी सियासी जंग। गाने में दीपिका ने जो भगवा रंग के कपड़े पहने हैं उसको लेकर सियासत हो रही है। बड़ा अपडेट यह भी कि सोशल मीडिया पर जब दीपिका पादुकोण को लेकर अलग अलग तरह के कमेंट हो रहे हैं, तो फिर कुछ संगठन है जो कि खुलकर सामने आ गए हैं या फिर मांग की जा रही है फिल्म को बैन करने की भी। और जो सड़कों पर लोग उतरे हैं उनकी कुछ तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर नजर भी आएंगी, जहां पर फिल्म का विरोध करने के लिए कुछ लोग सड़कों पर आए, जहां पर फोटो पोस्टर लेकर यहां विरोध करते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने पोस्टर को जलाया भी है। एक और बड़ा अपडेट आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि देश भर में अलग अलग रिएक्शन इस फिल्म को लेकर, इस सॉन्ग को लेकर आ रहे हैं। इंदौर में फिल्म पठान का जोरदार विरोध हुआ है। यहां लोगों ने शाहरुख खान का पोस्टर हाथों में लिया, पोस्टर को जला भी दिया। शाहरुख खान को उनके पोस्टर को जूते चप्पल से पीटते हुए कुछ लोग नजर आए हैं। बेशरम रंग गाने को लेकर आपत्ति जता रहे हैं लोग, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कई जगह पुतला भी जलाया गया। गाने की तस्वीरों को लेकर नाराजगी इन लोगों में सबसे ज्यादा है। लोगों का कहना यह है, जानबूझकर उसमें भगवा रंग दीपिका पादुकोण को पहनाया गया है, इसीलिए फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। फिल्म के उस सीन को लेकर आपत्ति कुछ लोगों के जरिए जताई जा रही है, और खासतौर से जो भगवा रंग की बिकनी जो दीपिका पादुकोण ने पहनी है उसको लेकर इन लोगों का विरोध है। सवाल बहुत बड़ा है कि अभी फिल्म की रिलीज डेट दूर है, गाना अभी रिलीज हुआ है, गाने को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दीपिका पादुकोण के कपड़ों को लेकर और खासतौर से भगवा रंग को लेकर कमेंट पास कर रहे हैं और इस फिल्म का विरोध जताया जा रहा है। बड़ा अपडेट आप ये भी जानिएगा इस मामले को लेकर जुड़ा हुआ, कि मक्का पहुंचे थे उमराह करने के लिए शाहरुख खान, और फिर वैष्णो देवी के दरबार में भी शाहरुख खान पहुंचे थे। फिल्म पठान के रिलीज से पहले उन्होंने दर्शन किए, फिल्म की कामयाबी की यहां पर दुआ करते हुए नजर आए। पैदल ही शाहरुख खान चढ़ाई कर रहे थे, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी। शाहरुख खान ने वैष्णो देवी में जाकर दर्शन किए थे। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जिसमें ब्लैक कलर की हुडी में शाहरुख खान आपको दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने हुडी सर पर पहनी हुई थी, थोड़ा चेहरा छिपाया हुआ था, क्योंकि अगर वहां लोग जो मौजूद थे जानते अगर शाहरुख खान उनके बीच में हैं तो वहां अफरा तफरी मच सकती थी। पहचान को छिपाते हुए ही शाहरुख खान वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे, और इससे ठीक पहले मक्का पहुंचे थे, जहां उमराह करने के लिए शाहरुख खान गए थे। शाहरुख खान ने दुआ भी की है, शाहरुख खान ने प्रार्थना भी की है, वैष्णो देवी के दरबार में भी पहुंचे और साथ ही साथ मक्का उमराह करने के लिए पहुंचे। लेकिन जो तस्वीर है उनको लेकर कुछ लोग भड़के हुए हैं, और वो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर नजर भी आ रही है। यही वो ऑरेंज कलर की ड्रेस है जिसको लेकर विवाद बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर बयान दिया है और कहा है कि दीपिका टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक हैं, दीपिका के कपड़े आपत्तिजनक हैं। दीपिका के कपड़ों को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने विरोध जाहिर किया है, और इसीलिए क्योंकि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये तय किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में फिल्म चलेगी या फिर नहीं चलेगी। की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया ही दोषपूर्ण है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता को लेकर के फिल्माया गया गाना है पठान फिल्म का। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। मैं उसके डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक जो भी हो उनसे कहूंगा कि इसको ठीक करें, सुधारें। वैसे भी आदरणीय जो विषय उठाए हैं, और दीपिका पादुकोण पहले भी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आ चुकी हैं, उससे उनकी पहले भी मानसिकता सबके सामने आ चुकी है, और इसलिए मेरी मान्यता है कि ये जो गाने का नाम है बेशर्म रंग, ये भी अपने आप में आपत्तिजनक है। और जिस तरह से भगवा और हरा पहनाया गया है, गाने के रंग, गाने के बोल, पिक्चर का नाम, ये सामयिक नहीं है,
इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अगर नहीं किया जाता है तो मध्य प्रदेश में इसके प्रवेश पर, इसके प्रसारण पर विचार किया जाएगा, करने दिया जाए या नहीं करने दिया। कोई भी फिल्म अगर इस प्रकार से बनी है, मैंने देखा नहीं, आपके सवाल के जवाब में ही मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी फिल्म बनाने वाले, चाहे वो निर्माता निर्देशक हों, चाहे अभिनेता अभिनेत्री हों, उन्हें देशवासियों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। अगर उनकी कोई फिल्म ऐसी बनी है जिसके माध्यम से किसी की भावना को चोट पहुंचती है तो उसे अब हिंदुस्तान स्वीकार नहीं करेगा। अभी बॉलीवुड की शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान में जिस प्रकार से दिखाया गया है कि अभिनेत्री को भगवा वस्त्र जो है अश्लील तरीके से पहनाया गया है और उसमें जो गाना गाया जा रहा है बेशर्म रंग, यह भगवा का सनातन का अपमान है। कहीं ना कहीं बॉलीवुड पूरी तरह से सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेके काम कर रहा है और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिस भगवा को बेशर्म रंग कहा जा रहा है, जिस भगवा ने पूरे देश और दुनिया को दिशा देने का कभी काम किया उसको बेशर्म रंग कहा जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो सेंसर बोर्ड है वो इस पे मौन होता है, वो पास करता जाता है और हिंदू सनातन का अपमान होता रहता है। तो यह हम इसकी घोर निंदा करते हैं और तमाम हिंदू महासभा, संत महासभा के कार्यकर्ताओं को मैं निवेदन करता हूँ, हिंदू महासभा से, हिंदू समाज से निवेदन करता हूँ कि वो इस फिल्म का बायकॉट करें, पठान फिल्म का। पठान फिल्म में अभिनेत्री को भगवा पहना के अश्लील तरीके से वो भी, और उस भगवा को बेशर्म रंग कहा जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा। ये बॉलीवुड के लोग वास्तव में बेशर्म हो चुके हैं और इनका बायकॉट करना ही, इनको फ्लॉप कराना ही सबसे बड़ी हमारी जीत होगी, सबसे बड़ी हमारा इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होगा, ये विरोध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हरिओम, राम राम। इनको पहना करके भगवा वस्त्र और उसके बाद में उसे अश्लील गाना गवाया गया है, ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है। क्योंकि ये भगवा ध्वज, भगवा जो वस्त्र होता है और ये अपना नहीं है, हमारे भगवान इसको धारण करते हैं, जितने भी साधु संत हैं इसको धारण करते हैं और यह आध्यात्म का प्रतीक है। अध्यात्म का प्रतीक होने के कारण से यदि इसको पहन करके कोई भी इस प्रकार के बेतुक्का व्यवहार या गाना गाती है, फिल्म में इसको रिलीज किया जा रहा है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसको जैसा कि इसके इससे इसका प्रभाव जो पड़ेगा हमारे सनातन धर्मियों के ऊपर, बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसका परिणाम यह होगा कि लोग इस प्रकार की जो सोचते हैं वह गलत भावना होगी। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के सांग सांग और भगवा वस्त्र पहन करके जो गाया गया है वह सनातन धर्म का अपमान है, इसलिए इस पर तुरंत बैन लगना चाहिए, क्योंकि यह सनातन धर्म का अपमान है और हमारे सनातन धर्मी इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कुछ रिएक्शन है जो हमने आपको सुनवाए, जो कि फिल्म पठान के नए सॉन्ग जो रिलीज हुआ है बेशर्म रंग, उसको लेकर सामने आ रहे हैं। अब मुंबई से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जानी मानी एक्टर और मॉडल मानवी तनेजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले अभिषेक, आप ही का रुख करते हुए, चूंकि आप सालों से मुंबई में रह रहे हैं, बॉलीवुड को कवर कर रहे हैं, जो कुछ रिएक्शन सामने आए हैं वो हमने दर्शकों को सुनाए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन है, कुछ हिंदू संगठन है, कुछ संत समाज से रिएक्शन है, बॉलीवुड इस पर क्या सोचता है, क्या कह रहा है, ये जरा बताइए। देखिए, बॉलीवुड की तरफ से अब तक चुप्पी साधी गई है, बॉलीवुड में अब तक कोई भी सामने नहीं आया। देखिए, ये बात तो साफ है कि कभी भी ऐसी कोई बात होती है, कोई भी फिल्मों का विरोध होता है कोई फिल्मों में, तो हमेशा बॉलीवुड दो पार्ट में बटा होता दिखाई पड़ता, दो धड़े में बटे हुए दिखाई पड़ता। लेकिन हाँ, चूंकि यह मुद्दा जाहिर सी बात अब गर्माता दिखाई पड़ रहा, तो हो सकता है कि बॉलीवुड की तरफ से जो एक तबका है उस पर मामले विरोध करे, सपोर्ट करे। लेकिन हाँ, अभी तक यह है कि अब तक किसी ने विरोध या सपोर्ट में नहीं आए हैं,
लेकिन ये साफ है जिस तरीके से देखिए बेशर्म रंग जो फिल्म हमें जो सॉन्ग आया है उसको लेकर भगवा रंग की बात सामने आ रही है और उसमें जो दीपिका पादुकोण का उसको दीपिका पादुकोण को लेकर तमाम उनके जो इतिहास की बात करें उस इतिहास को लेकर भी लोग मुद्दा बना रहे हैं। जैसा कि साफ साफ उन्होंने कहा कि अगर हम दिल्ली की बात करें जहां पर जेएनयू में जाकर उन्होंने उस वक्त जब जाकर वहां लोगों को सपोर्ट किया था जब लगातार देश के विरोध में लोग नारेबाजी कर रहे थे तो कई सारी बातें सामने ऐसी आई थी जिसको लेकर दीपिका पादुकोण से लेकर इंटरव्यू के सवाल इंसान खड़ा होगा आखिरकार क्यों ऐसी कार विवादित चीजें वह किया करती है क्यों ऐसे फिल्में में काम करती है तमाम इसको लेकर आपको पता होगा पद्मावत को लेकर लगातार बड़ा विवाद हुआ था। पद्मावत में भी उनके तमाम विषय रोल को लेकर पहनावे को लेकर लगातार बड़ा विवाद हुआ था तो कई सारे ऐसे विवाद होते हैं। हालांकि यह जो एक मामला होता है फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर को लेकर होता है डायरेक्टर्स को लेकर होता है लेकिन कहीं ना कहीं इस पर लोगों को सोचने की आवश्यकता उन्हें पता है कि किसी के अगर किसी धर्म का किसी का अगर कोई भावना अगर उससे जुड़ी हुई है तो कम से कम उसको आदर करना चाहिए। और यह साफ देखिए जिस तरीके से उस फिल्म अगर गाने की बात करें बेशर्म रंग जो गाना है जिसका वो बोल है और जो पठान फिल्म का गाना रिलीज हुआ है जिसको लेकर लगातार बवाल मचा है उस पर कई रंग के कपड़े उन्होंने पहने बात भी सही है लेकिन वह उस वक्त जब भगवा कलर का रंग आता है उसमें कम वस्त्रों में नजर आती है बिक्री नजर आती है और वह एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों के लिए नागवार गुजर रहा है यही वजह है कि लगातार विरोध हो रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि अब तक बॉलीवुड में तरफ से कोई भी सपोर्ट है विरोध में अब तक सामने नहीं आया। ठीक है हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे अभी बॉलीवुड को इस पर रिएक्ट करने के लिए। हालांकि दर्शकों के लिए मैं बता दूं 2 दिन में 4 करोड़ 10 लाख से ज्यादा व्यूज हैं इस गाने के लोग देख रहे हैं लोग पसंद भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के जरिए इसका विरोध भी हो रहा है। विष्णु विनोदम हिंदू धर्म गुरु हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं मानवी तनेजा मॉडल एक्टर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विष्णु विनोदम जी ये जो सॉन्ग है इसे 2 दिन में 4 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है लाखों लोग ने इसे पसंद किया है इस गाने में आपको आपत्तिजनक क्या नजर आ रहा है? देखिए आपत्तिजनक ये लोग बॉलीवुड से एक लंबे समय से विवाद करते चले जा रहे हैं और आप देखने को मिलेगा कि ये लोग जिस तरीके से देश के अंदर माहौल क्रिएट कर रहे हैं बॉलीवुड के एक्टर्स आप देखेंगे कि नग्नता भी ज्यादा दिखाई जा रही है कहीं ना कहीं ऐसी फिल्में बनाई जा रही है जिससे कि एक जो सच्चाई है उसको अलग हटा करके दिखाया जाए। इससे अच्छा काम तो बॉलीवुड कर रहा है अब लोग कहीं ना कहीं साउथ की मूवी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये लोग किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है इससे कोई ना कोई एक्शन नहीं। मुझे आप ये समझाइए विष्णु विनोदम जी मुझे आप ये समझाइए बॉलीवुड में ऐसा क्या नया इन लोगों ने किया है जो इससे पहले नहीं हुआ था वो मुझे समझाइए आप। लेकिन नग्नता बढ़ा दी गई अश्लीलता बढ़ा दी गई ये देश कहीं ना कहीं एक बहुत सभ्यता से चलने वाला देश है और सभ्यता से खत्म करने का साथ एक देश को नग्नता की तरफ नौजवानों को नग्नता की तरफ बढ़ाने का काम बॉलीवुड ने किया है ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस तरफ गौर करना चाहिए। नहीं मेरा सवाल आप नहीं समझे विष्णु विनोदम जी मेरा सवाल आप नहीं समझे मैं ये पूछ रही हूँ पठान फिल्म का ये जो सॉन्ग रिलीज हुआ है इसमें नया और अलग क्या हुआ है जिसको लेकर आप विरोध कर रहे हैं क्योंकि ऐसी कई फिल्में हैं ऐसे कई गाने हैं जिसमें इस तरह के क्या इससे भी ज्यादा सीन है इसलिए इससे भी ज्यादा एक्सपोज करते हुए सीन है इसमें आपत्ति क्या है मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। देखिए आपत्ति है तभी तो चारों तरफ विरोध हो रहा है ये लोग अभी एक बनावट फिल्म बनाई इसके अंदर भी इस तरीके से दिखा रहे हैं लोगों को मतलब मेरे हिसाब से ये जो कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं या कहीं ना कहीं भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है ये सही नहीं की जा रही। चलिए आपको ऐसा लगता है कि भावनाओं को भड़काने का काम हो रहा है अश्लीलता परोसी जा रही है। मानवी मेरे साथ हैं एक्टर भी हैं मॉडल भी हैं ठीक है मानवी का भी रिएक्शन लेना जरूरी है। मानवी मुझे एक बात समझाइएगा आप बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं आप बॉलीवुड को करीब से देखती भी हैं आपके भी कई ऐसे शोज होते हैं जिसमें आपको इस तरह की ड्रेसेस पहननी होती होंगी मुझे बताइए जरा कि दीपिका पादुकोण पहली तो नहीं है जिन्होंने भगवा रंग की बिकनी पहनी हो इससे पहले वाणी कपूर हैं कैटरीना कैफ हैं खुद दीपिका पादुकोण भी इससे पहले कॉकटेल में इस ऑरेंज कलर की बिकनी को पहन चुकी हैं फिर ये विरोध अभी इतना क्यों और जहां तक बिकनी पहनने का सवाल है या फिर इंटीमेट सीन देने का यहां पर सवाल है ऐसे तो कई फिल्मों में कई सॉन्ग्स में हमने देखा है। बिल्कुल सही कहा लेकिन मैं अपनी शुरुआत एक छोटी सी कविता के साथ करना चाहती हूँ अगर आप मुझे परमिशन दें।
अगर चलानी है ट्रोलर्स ने अपनी दुकान तो हर कदम पे करना होगा बॉलीवुड का अपमान। ट्रोलर्स के चश्मे हैं थोड़े निराले, कंगना दीदी पहने भगवा रंग तो उलाला, कोई और पहने तो क्यों डाला। फूलों की बरसात होती है जब कंगना पहने बिकनी, और वही ये कांटों से वार करते हैं जब कोई और होती है सामने बेहतरीन अभिनेत्री। अब देखिए सीधी सी बात है, अब इनके सिलेक्टिव अप्रोच हो गई है, अगर कंगना पहनती है या इनकी लॉबी का कोई भी पहनता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं होती। इन्होंने मुझे लगता है कि मुझसे पहले जो पैनलिस्ट हैं जो देव गुरु हैं उन्होंने शायद से गाना पूरा अच्छे तरीके से सुना नहीं है, उसमें सारे रंग यूज हुए हैं, उसमें येलो रंग हुआ है, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, हर किस्म का रंग यूज हुआ है, लेकिन इनको सिर्फ वो सैफरॉन रंग ही दिखता है। और दूसरी बात ये कि गाने में ऐसा कुछ आपत्ति है नहीं, और अगर इनको लग रहा है गाने में आपत्ति है तो क्या चीज है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही जो कल से इतना ज्यादा हौला मचा रखा है कि गाने में अपमान कर दिया है। एक नॉर्मल गाना है जिसमें सारे रंग यूज हुए हैं, लेकिन अगर उसको ये गलत चश्मे से देखना चाहते हैं तो भगवा रंग में अगर इनको प्रॉब्लम है कि किसी अभिनेत्री ने भगवा पहना है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहती हूँ कि कंगना ने भी भगवा रंग पहना हुआ है, और उसमें देखिए उसने शराब की बॉटल को हाथ में पकड़ा हुआ है, इसके लिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो शराब की बॉटल को हाथ पकड़ के शराब पी रही है और नाच रही है, उसमें उनको आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर एक गाने में कोई और अभिनेत्री पिक्चराइज हो गई है उसमें उनको आपत्ति हो जाती है, क्योंकि सिलेक्टिव अप्रोच है। ये हम अब समझ गए हैं कि सिलेक्टिव अप्रोच है, कुछ अभिनेत्रियों को ये अलाउ कर देते हैं, कुछ को नहीं अलाउ कर देते। अभी आपने पहले ही बोला कि पहले पहना था दीपिका ने इनको प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हर चीज में ये अपना एक अपर हैंड रखना चाहते हैं, और जो अपर हैंड इनका नहीं हो पाता तब ये बायकॉट कल्चर शुरू कर देते हैं। आपने कहा कि सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं, आपने कहा कि अपने मन मुताबिक जिस अभिनेत्री का विरोध करना होता है उसका करते हैं, जिसका नहीं करना होता उसका नहीं करते हैं। विष्णु विनोदम जी, मानवी तनेजा ने जो फोटोग्राफ दिखाई है कंगना रनौत की, उन्होंने भगवा कलर का सूट पहना है, शराब की बॉटल हाथ में है जिसे वो पीते हुए एक्ट कर रही है, इसको लेकर जवाब तो मैं आपसे जरूर जानूंगी कि सिलेक्टिव अप्रोच आखिर है क्यों। साथ ही साथ अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बॉलीवुड रिएक्शन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मानवी ने यहां बहुत सही बात कही है, इससे पहले जब जब जिसने जिसने भगवा रंग की बिकनी पहनी तब कोई सामने नहीं आया, तब कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, अचानक ये विरोध के सुर उठ क्यों रहे हैं। साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात और, यहां कहा गया है कि दीपिका पादुकोण ने भगवा बिकनी पहनी है, शाहरुख खान ने हरा रंग पहना है। अगर अब हिंदू धर्म की मान्यता ये बताई जा रही है कि यहां भगवा रंग पवित्र है, तो फिर मुस्लिम समुदाय के लिए हरा रंग भी पवित्र है, तो फिर क्यों नहीं मुस्लिम समुदाय की तरफ से कोई सामने आ रहा, वहां से इस तरह का विरोध आखिर क्यों नहीं हो रहा, यह भी बड़ा सवाल है। आप सभी मेहमान हमारे साथ रहिएगा क्योंकि इस पर बात करनी जरूरी है। विरोध के सुर उठ रहे हैं तो क्या यह सिलेक्टिव अप्रोच है, क्या ये टाइमिंग्स को लेकर किया गया है, क्या या फिर जानबूझकर इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, इन सभी सवालों पर बात होगी। बहुत शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के फैंस जो कि लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान, अब जब रिलीज होने में कुछ ही दिन बाकी है, सॉन्ग आ चुका है बेशरम रंग, लेकिन इसी में जो एक रंग है उसे पिक एंड चूज किया है कुछ लोगों ने, और कह रहे हैं कि बेशरम रंग भगवा बताकर ये भगवा रंग का अपमान हो रहा है, और साथ ही साथ फिल्म के बॉयकॉट की मांग की जा रही है। इस पर बात करने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा हैं, एक्टर मॉडल मानवी तनेजा हैं, विष्णु विनोदम हमारे साथ हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु खुद को बता रहे हैं। विष्णु विनोदम जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल मैंने आपसे पूछा था वही सवाल मेरा अब होगा। मानवी तनेजा ने कंगना रनौत की पिक्चर आपको दिखाई है जिसमें भगवा सूट में वो हैं, शराब की बोतल उनके हाथ में है, क्यों नहीं आपने उस वक्त विरोध किया। साथ ही मेरा सवाल ये भी है, अगर भगवा रंग के छोटे कपड़ों यानी कि मैं कहूं कि अगर बिकनी को लेकर सवाल है, यही बिकनी पहनी थी कटरीना कैफ ने भी, वाणी कपूर ने भी, खुद दीपिका पादुकोण ने भी, लेकिन वो कुछ साल पुरानी बात है, कॉकटेल फिल्म की बात है, तब ये विरोध क्यों नहीं था, भगवा रंग का ख्याल तब क्यों नहीं था। देखिए सबसे बड़ी बात जो इस गाने में दिखाई गई है कि भगवा रंग पहन करके बिकनी के रूप में कैसे वो अपने हाथ में शराब की बोतल रखे हैं और शाहरुख खान पठान बन करके उनके साथ नाच रहे हैं। ये तीनों जो पठान हैं जो अपने आप को खान कहते हैं, इन लोगों ने कहीं ना कहीं इस देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की है। ये एक एजेंडा जो ये लोग चला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान को रख करके चल रहे हैं। ये बॉलीवुड इस तरीके से हर बार एक एजेंडे को लेकर के चलता है, बॉलीवुड में ये बहुत दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में इन तीनों को बैन कर देना चाहिए और कहीं ना कहीं बॉलीवुड से। अच्छा एक बात बताएं, आपने ये सॉन्ग देखा है? जी मैंने नहीं देखा, मैंने इस पिक्चर से देखा।
नहीं मतलब देखा है ना आपने सॉन्ग, इसमें दीपिका पादुकोण ने किस किस कलर के कपड़े पहने हैं और शाहरुख खान ने किस किस कलर के कपड़े पहने हैं। आपको सिर्फ भगवा और हरा ही क्यों दिखाई दिया? आपको इस गाने में हिंदू और मुसलमान ही क्यों दिखाई दिया? बिल्कुल जाहिर सी बात है सखान, क्योंकि जो पहला पोस्टर रिलीज हुआ था उसमें येलो कलर की बिकनी पहनी हुई थी दीपिका पादुकोण ने। उसके बाद में जो बेशरम रंग लिखा हुआ जो पोस्टर रिलीज हुआ था जिसमें शाहरुख और दीपिका दोनों हैं, उसमें कलरफुल ड्रेस पहनी हुई है दीपिका ने। एक भी जो पोस्टर है वो भगवा रंग का तो रिलीज नहीं, वहाँ गाने में भगवा रंग जरूर है। आपको ये भी पता है कि शराब को पब्लिकली एक्सपोज नहीं किया जा सकता, फिर भी ये लोग कर रहे हैं। सिगरेट को नहीं किया जा सकता, फिर भी ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, आपको बैन करने की मांग कर रहे हैं, आपको ये पसंद भी नहीं आ रहा, आप मुझे इस बात का जवाब देंगे? जो अभी मानवी तनेजा ने भी फोटो दिखाया था कंगना रनौत का, शराब की बॉटल है, भगवा रंग का सूट पहना हुआ है, तब विरोध क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर नहीं हुआ। अरे आप ही से तो पूछा जाएगा ना, अगर करना चाहिए तो आपने किया क्यों नहीं? हेलो, अगर विरोध आप कह रहे हैं विरोध बिल्कुल करना चाहिए तो किया क्यों नहीं? और अब जब नजर आ गया है तो विरोध सबका कीजिए, विरोध कैटरीना कैफ का भी कीजिए, विरोध आप वाणी कपूर का भी कीजिए, और विरोध मैं तो कहूंगी जो पुराने जमाने की हीरोइन है उनका भी कीजिए। भगवा रंग तो तब से पहना जा रहा है जिसे आप भगवा कह रहे हैं। पिछले समय पर क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। अच्छा, पूरा का पूरा सनातन कहता है, अगर आज पूरा समाज जाग रहा है तो उसको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अच्छा, थोड़ी ना दिखाई देना चाहिए पीछे ऐसा हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी वाली बात की कांग्रेस ने ऐसा कर दिया तो हम ऐसा कर रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी ना। ठीक है, वो तो कुछ महीने पहले हम जाग जाते हैं, अभी आपने उदाहरण दिया था। मानवी विष्णु विनोदम कह रहे हैं कि जब जागो तभी सवेरा, ये अभी अभी जागे हैं और इन्हें अभी अभी नजर आया है भगवा रंग की बिकनी, आप जागे हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे और लोगों को जगाया जाए? मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब आप जागे हैं तो कुछ महीने पहले जागते थे, जैसे उन्होंने अभी उदाहरण दिया कि साउथ की फिल्म में सही है, तो मैं इनसे ये बताना चाहती हूँ कि साउथ की फिल्म में पुष्पा बेबी एक आइटम सॉन्ग था जिसपे उसने बिकनी जैसा ड्रेस पहना था, और वो भी आपके हिसाब से वो इतना वो भी थोड़ा सा बोल्ड सॉन्ग था आपके हिसाब से, वो बहुत ज्यादा एक फिल्मी सॉन्ग मतलब एक फैमिली सॉन्ग नहीं हो सकता, तो उसमें भी आपने आवाज नहीं उठाई, उसमें आप आवाज उठा देते। देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी आपके कोई समर्थन की हीरोइन नहीं होती, एक्ट्रेस नहीं होती, मॉडल नहीं होती, तो आप एक चश्मा पहन लेते हैं, आप एक बीजेपी का चश्मा पहन लेते हैं और आपके आंखों में एक मोती आ जाता है जिसकी वजह से आपको कुछ नहीं दिखता, आपको सिर्फ वही दिखता है जिसको आपको देखना चाहते हैं। अब आप पठान का बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन आप सुन रही थी आपकी जबान लड़खड़ा रही है क्योंकि आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है उसको बाइकआउट करने का। कभी आप 11 साल पुरानी वीडियो निकाल लेते हैं, कभी आप कोई इंटरव्यू निकाल लेते हैं, कभी आप एक स्टेटमेंट निकाल लेते हैं, किसी की बीवी ने 6 साल पहले स्टेटमेंट दिया। इस वक्त दीपिका और शाहरुख की पिक्चर को बाइकआउट करने का कोई रीजन नहीं मिल रहा, तो आप ये नफरती जो चिंटू है जो आपने ट्विटर पर फैला रखे हैं तो उसी को आप ट्वीट करते रहते हैं और उसी के आप जो हेटरेट है वो फैला रहे हैं। लेकिन देखिए, इस गाने को काफी लोगों ने पसंद करा है और मुझे लगता है कि लोग इसको जरूर देखने जाएंगे। आप जितना मर्जी बायकॉट कोई भी मूवी या बॉलीवुड का ट्रेंड चला लीजिए, लेकिन अगर पिक्चर में कंटेंट होगी लोग उसको देखने जरूर जाएंगे, उसको बायकॉट नहीं करेंगे। और अच्छा मानवी, चूंकि आप मॉडल हैं, एक्टर हैं, जरा दर्शकों के लिए ये समझना और समझाना आपके जरिए जरूरी है। आप किसी शूट पर जाती हैं, आप किसी असाइनमेंट पर जाती हैं, तो ड्रेस डिजाइनर होता है, आपके सामने ड्रेस रखता है, आपको कैसे ड्रेसेस मिलती हैं? क्या आपकी कोई चॉइस होती है या फिर क्या कोई फिट पहले लिया जाता है जब ड्रेसेस दी जाती हैं? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि दीपिका और शाहरुख को जो कपड़े मिले हैं वो पूरा प्रोसीजर लोग समझ पाए क्या होता है कैसे होता है। देखिए, जब आपके स्क्रिप्ट होती है तो आपको अंदाजा लग जाता है, आपको बता दिया जाता है कि आपको किस टाइप के कपड़े पहनने हैं, क्या आपके कॉस्ट्यूम्स होंगे। उसमें कलर्स तो देखिए आपको नहीं बताते हैं, लेकिन एक कॉस्ट्यूम बता देते हैं कि आपका एक सॉन्ग होगा जिसमें आपको शायद बिकनी लुक देना होगा और कुछ आपके ऐसे सीन्स होंगे जिसमें आपको एथनिक पहनना होगा, ऐसे आपको सारी कॉस्ट्यूम्स बता दी जाती है। लेकिन हाँ, एक चॉइस पूछी जाती है एक एक्टर से और एक्ट्रेस से कि आपको किस कलर का कपड़ा पहनना है जब वो जब आपके जब शूट पे आपको जाना है, जब आप शूटिंग रेडी है, लेकिन आपसे चॉइस पूछी जाती है। लेकिन ये नहीं है कि आप उसको बता दे कि हमें ये नहीं ये पहना है। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर सॉन्ग से लेके रिलेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल बेसलेस है, बिकॉज इस सॉन्ग में सारे रंग यूज हुए हैं। ऐसा कोई रंग नहीं है जो इस सॉन्ग में उन्होंने छोड़ा हो, सारे रंग यूज हुए हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि हमें इस वक्त कोई एक सैफरन रंग को बहुत ज्यादा तज्जुब देना चाहिए। और जैसे ये अभी कह रहे हैं कि सैफरन रंग है और हमारी बेइज्जती कर दी, तो
तो इनको मैं बोलना चाहती हूँ, जितने भी अंडरगार्मेंट्स हैं, जो नेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, सब में भगवा रंग बैन कर दीजिए अगर आपको सैफरन रंग से इतनी आपत्ति है। क्योंकि मेरे हिसाब से हर लड़की के पास सैफरन रंग की एक इनोवेयर्स तो होगी होगी, तो कहीं ना कहीं आपके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंच रही है, तो आप भगवा रंग को बैन कर दीजिए नेशनल ब्रांड्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स दोनों में। अच्छा, आपको मुझे लगता है। हाँ विष्णु, विनोदम जी आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, मुझे ये बताइएगा, अगर हिंदू धर्म में भगवा रंग को पवित्र आप कह रहे हैं, मुस्लिम धर्म में तो हरा रंग भी पवित्र होता है, मुस्लिम समाज से कोई क्यों नहीं सामने आया विरोध करने के लिए? शाहरुख ने हरा पहना है, दीपिका ने भगवा पहना है, अपमान तो फिर हरे रंग का दीपिका ने भी हरा पहना है। हाँ, दीपिका ने भी हरा पहना है। हाँ हाँ बताइए विष्णु विनोदम जी। मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बिकनी पहनी, पहले ही बात तो हमारा समाज बिकनी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो तब आप कहां से बिकनी कितने दशकों से पहनी जा रही है, ये भी तो देखिए, बिकनी कुछ सालों से नहीं कई दशकों से पहनी जा रही है। अगर आप बिकनी का ही विरोध कर रहे हैं तो दशकों पहले चले जाइए। खराब किया जा रहा है हमारे देश की सभ्यता को, खराब किया जा रहा है। आप अच्छे कपड़े पहनते क्यों नहीं आते बॉलीवुड में? अब मुझे आपकी बात सुनकर पता है, मानवी ऐसे कई लोग आपने भी सुने होंगे जो फिल्म का बॉयकॉट करते हैं, फिल्म देखने के बाद बाहर निकलते भी हैं और कहने हम इस फिल्म का बॉयकॉट करते हैं देखने के बाद। इनका अगर आप मोबाइल को स्कैन कर लीजिएगा ना, तो ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं होगी जिनकी इन्होंने फोटो को स्कैन नहीं किया होगा, और इंस्टाग्राम में ऐसा कुछ नहीं होगा जिनको इन्होंने फॉलो नहीं किया होगा, सारे सॉन्ग ये देखते होंगे। और अगर इनका टीवी आप स्कैन करिए तो भी ऐसा कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं होगा जिनको इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। ये यहाँ पे आकर के सिर्फ डिबेट में बोलते हैं और घर में फैमिली के साथ या खुद बैठ करके मूवी देखते हैं और हॉल में भी जाकर के पिक्चर देखते हैं। तो ये जो चीजें हैं कि जब जागो तब सवेरा, तब कहाँ है जब कंगना बिकनी पहन रही थी या दूसरी मॉडल्स बिकनी पहन रही थी या कोई एक्ट्रेस? और मैं अभी की बात अभी वो बोल रहे हैं, अभी वो बोल रहे हैं कि विरोध बिकनी का हो रहा है। विष्णु विनोदम जी, विष्णु विनोदम जी, एक भी एक्ट्रेस ऐसी होगी नहीं, ऐसी बहुत रेयर एक्ट्रेस होंगी जिन्होंने बिकनी नहीं पहनी होगी, और ये आज की कल की या परसों की खबर नहीं, ये तो दशकों पुराना रिवाज चला जा रहा है। आप 70 और 80 के दशक की अगर हीरोइंस को देखेंगे, बिकनी तो तब से चली आ रही है। आप अब जाग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम आज जाग रहे हैं या कल जाग रहे हैं ये विषय नहीं है। क्या ये ठीक है कि बिकनी आप हमारे समाज में परोस रही है? ठीक है, आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। दोबारा सही है, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, ये मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, कपड़े तो हैं, कपड़े पहने हैं। नहीं नहीं नहीं, मतलब अब आपको लग रहा है, अब जब लड़कियां चांद तक पहुंच रही हैं और आप इतना बैक ट्रैक होकर के कह रहे हैं कि बिकनी नहीं पहननी चाहिए, तो अब बिकनी को बैन करा दीजिए। अगर आपको इतना ही आपको नहीं पसंद तो आप मत देखिए ना, आपको अगर पसंद नहीं है विष्णु विनोदम जी तो आप मत देखिए। नहीं, हम लोग तो नहीं देखते, ये तो ठीक है, सामने चीज आई है, आप लोग इससे बात करना चाह रहे हैं इसलिए बोल रहे, वरना हम लोग तो टीवी चैनल ये सब चीजों से बहुत दूर है। अच्छा, मतलब डिबेट का एंड होते होते आप ये कह रहे हैं कि देखिए कलर से तो आपत्ति हमें है ही, लेकिन हमें तो आपत्ति बिकनी से भी है, और अगर बिकनी को लेकर आप विरोध करने पर आ जाएंगे ना तो कोई एक्टर कोई मॉडल ऐसी बचेगी नहीं। इनफैक्ट मानवी, आजकल की डेट में तो टीवी जो सीरियल में काम करने वाली एक्ट्रेस है वो भी बिकनी पहनती है। अगर आप बिकनी का विरोध करने पर आ जाएंगे, आमतौर पर आम जो गर्ल्स है वो भी बिकनी आजकल पहन रही हैं, अगर आपको इसका विरोध करना है तो फिर आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट आपको इस लड़ाई के लिए, आप आवाज उठाइए। हालांकि कपड़े किसको कैसे पहनने हैं, किस रंग के पहनने हैं, वो टोटली उसकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन आप अगर विरोध कर रहे हैं तो आप उसके लिए आजाद है। पठान फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, पठान फिल्म का बॉयकॉट कितने लोग करते हैं, कितने लोग देखने जाते हैं, ये भी उनकी अपनी चॉइस होगी। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए मानवी तनेजा और विष्णु विनोदम जी, आपका भी। फिल्म में इस गाने को लेकर कई रंग हमने देखे हैं, इस फिल्म में जब दीपिका पादुकोण अलग अलग रंगों में नजर आ रही हैं, शाहरुख खान भी अलग अलग रंगों में नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ निश्चित लोग हैं जो कह रहे हैं कि फिल्म में जो भगवा रंग का ड्रेस पहना है दीपिका पादुकोण ने, उसे बेशरम रंग के तौर पर दिखाया और दर्शाया गया है। यहाँ टोटली व्यूअर्स को तय करना होगा, दर्शकों को तय करना होगा, उन्हें क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है, वो उन्हें फिल्म देखने जाना चाहिए या नहीं, उन्हें गाना पसंद करना चाहिए या फिर नहीं, टोटली इट्स अप टू यू। एक ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द।